से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लिए हम लोगों ने असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले कुछ उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया था, जो हम लोग का बहुत ही बेसिक लेवल वाला उदाहरण था, जो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का उदाहरण दिया था, जिसमें मैंने 3 उदाहरण को सॉल्व किए थे और 5 उदाहरण आपको घर के लिए होमवर्क दिया था। तो उस होमवर्क को आप लोगों ने अच्छी तरह कर लिया होगा। आज जो हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग 9 से शुरू करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे 9 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप आज वाला जो वीडियो होगा उस पे VVI का मार्क लगा लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप समझ लीजिए अगर एक क्वेश्चन भी अगर इससे आ गया तो 5 मार्क्स आपके हो गए, क्योंकि ये कभी भी अकेला मुश्किल पूछा जाता है। 5 मार्क्स में एक ही साथ में 5 लोगों को पूछ देगा कि इनको संतुलित कीजिए, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए। 5 आ गया तो 5 मार्क्स हो जाएगा, परंतु अगर 1 मार्क्स में आता है तो बिल्कुल साधारण सा दे देगा कि 4 ऑप्शन रहेगा, तो इसमें से कौन सा संतुलित समीकरण है चाहे नहीं है वो आपका ऑप्शन वाला रहेगा। तो इससे आप समझ लीजिए कि निश्चित है कि आपके 2 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे, आज का वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखा के देखेंगे। कल के वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि आपको चरण वाइज करना है और आपने चरण वाइज करना सीख भी गए होंगे। आज मैं एक क्वेश्चन को चरण वाइज करके सिखाऊंगा फिर दोबारा, और उसके बाद से बिना चरण के आप लोग को आज सिखाऊंगा कि बिना चरण के आप एक झटके में आप सवाल कैसे बना सकते हैं, इसमें का सवाल कुछ जल्दीबाजी में कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास समय, क्योंकि 1 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल जल्दी बनाना होगा, तो उसके लिए मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल का अभी तक नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो उसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है AlCl3CaOH का होल ट्विस्ट कहा जाता है। ट्विस्ट का मतलब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज है उसमें 2 से गुणा होगा, ठीक है। जैसे ओ और एच है तो ओ से भी 2 में गुणा होगा और एच में भी 2 से गुणा होगा। तीर का निशान AlOH होल ट्विस्ट, ये ट्विस्ट 3 रहेगा तो ट्विस्ट, 2 रहेगा तो ट्विस्ट, ठीक है, 4 रहेगा तो टेट्रिस होता है, ठीक है। तो आगे बाद दिखा जाएगा। प्लस CaCl2, ठीक है। तो हम लोगों ने सवाल उतार लिया, सवाल उतारने पर इसका हिंदी लिख लेते हैं। तो हिंदी क्या है, AlCl3 है, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम Cl का क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड कहना पहला हो गया। दूसरा CaOH का होल 2 है तो Ca का क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और OH का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2 हो गया कंप्लीट। फिर आगे है OH का हाइड्रोक्साइड होता है, फिर है Al का, फिर वही एल्यूमिनियम और OH है, OH का वही हो जाएगा हाइड्रा ऑक्साइड, 2-3 हो गया। और लास्ट में CaCl2Ca मतलब कैल्शियम, और Cl2 मतलब क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड हो गया यहां पर। तो ये हम लोगों ने पूरा पहला उतार लिया। अब हम चरण बनाते हैं, तो चरण नंबर 1 देखते हैं। तो चरण नंबर 1 के लिए फिर उतार लेते हैं, चरण नंबर 1 फिर सवाल उतार लेते हैं, AlCl3+CaOH का होल ट्विस्ट, AlOH होल 3+CaCl2, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं तत्व, फिर लिखते हैं बाईं ओर, और फिर लिखते हैं दाईं ओर, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है, घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से जैसे पिछला बनाया था वैसे ही बनाएंगे।
चलिए इसमें तत्व तो पहले गिनते हैं कौन कौन है। पहले ए एल, पहला एक है ए एल, दूसरा सी एल है, तीसरा सी ए है, ए छोटा है तो सी ए, फिर चौथा ओ है और पांचवा एच है। मतलब पांच है, ओ एच एक ही में नहीं अलग अलग है, ठीक है पांच हो गए। अब पांचों को एक एक करके गिनते हैं कितने हैं। ए एल गिनिए कितना है, ए एल एक बार है यहां तो एक बार, सी एल तीन बार है तो तीन बार, सी ए, सी ए में आगे तो कुछ है नहीं और पीछे भी यहां कुछ नहीं है, मतलब एक का एक ही रहेगा। अब ओ, ओ यहां पर दो है, दो है तो दो से दो एकम दो, मतलब ओ का मात्रा कितना हो गया, ओ का कितना हो गया संख्या होगी दो हो गई। एच पी भी वैसे ही दो होगा, एच का भी दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब दाएं ओर चलते हैं। चलिए दाएं ओर बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा क्या है, ए एल एक बार, एक बार ओ तीन बार, ओ कहां है नीचे है तो तीन बार, एच तीन बार तो एच तीन बार, सी ए एक बार, एक बार एक बार, सी ए एक बार और सी एल टू दो बार, पांचों लिखा गया। अब हम यहां देखते हैं कौन कौन यहां बराबर है कौन कौन बराबर नहीं है। तो देखिए यहां ये बराबर है, चलिए ये तीन है ये दो है, मतलब ये बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, सी एल बराबर नहीं है तो क्या करना होगा, यहां तीन है यहां दो है तो मैंने आपको रैखिक समीकरण वाला पढ़ाया था तो कैसे करेंगे, इसमें तीन है और उसमें दो है तो इसमें किसे गुणा करेंगे, दो से, और इसमें किसे गुणा करेंगे तीन से। फर्स्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए यहां सी ए एक बार, यहां पर भी एक बार है, ओ यहां पर दो बार है, ओ यहां पर तीन बार है, एच यहां पर दो बार है और एच यहां पर कितने बार है तीन बार है, मतलब कि इसमें भी यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, इसमें यहां पर तीन से मल्टीप्लाई करना होगा, तीन से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, और यहां पर दो से मल्टीप्लाई करना होगा है ना, फिर इसमें भी यहां तीन से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा दो से, तभी ना बराबर होगा। इतना काम हम लोग को करना होगा। चलिए इतना काम करने के लिए पहले सवाल उठाते हैं, चरण नंबर दो। सवाल क्या है, ए एल सी एल थ्री प्लस सी ए, यहां मैं जगह छोड़ दिया, गुणा करना है ना कुछ ना कुछ तो जगह छोड़ देते हैं, ओ एच का होल ट्विस्ट, फिर यहां पे भी जगह छोड़ देते हैं, ए एल ओ एच का होल ट्विस्ट प्लस सी ए, यहां पे भी जगह छोड़ देते हैं सी ए सी एल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब गुणा, गुणा करने के लिए क्या क्या हमने सोचा है, सीएल में ती दो से गुणा करेंगे, इस साइड वाले, इस साइड वाला सीएल ये है, इसमें किससे गुणा करना है दो से, तो दो से तो यहां तो गुणा हो पहले, कहां गुणा कराया जाता है हमेशा सबसे आगे, कहां गुणा किया जाता है सबसे आगे, तो इसमें कहां गुणा होगा यहां होगा तो सबसे आगे यहां गुणा होगा, दो से गुणा हो गया, ये तो पहला क्लियर। अब इधर वाले ने किससे गुणा कर रहे थे तीन से, तो इधर वाले में तीन से कहां है सीएल, कहां है इधर वाले में, तो यहां सीएल है तो इसमें किससे गुणा करेंगे तीन से, चलिए तीन से गुणा। क्लियर, पहला तो काम हो गया। दूसरा काम क्या कर रहे थे हम, ओ एच कहां है, ओ यहां है, ओ में भी तीन से और एच में भी तीन से, तो ओ कहां है यहां, ओ में भी तीन से और एच में भी तीन से, मतलब ओ एच दोनों में तीन से, भाई ओ एच किसके साथ जुड़ा हुआ है तो सीए के साथ जुड़ा हुआ है, तो सीए में भी तो गुणा होगा तो सीए में भी गुणा करेंगे किससे तीन से, तीन से गुणा होगा OH में तीन से। अब इधर वाले OH में कितना से गुणा करना है दो से, चलिए इधर OH कहां है यहां, इसमें किससे गुणा होगा दो से, हो गया होगा गुणा। अब चलिए मिलाते हैं, हम लोग मिलाने के लिए क्या करते हैं, फिर मिटा देते हैं नीचे से, ऊपर से मिटा देते हैं, चलिए ऊपर से मिटा देते हैं, उतार लीजिए पहले इसको, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है मैं मिटा दिया हूं। चलिए गुणा किया गया, अब मिलाया जाए, चरण नंबर अभी यही चल रहा था दो का, क्या हो गया इधर तत्व और दूसरी तरफ बाई और दाई, ठीक है। चलिए बाई और देखते हैं कौन कौन है, ए एल है, पांच पहले तत्व उतार देते हैं, पांचों ए एल था, सी एल सी ए ओ और एच, और एच यही पांच था। चलिए मिलाइए, ए एल बाई और कितना है, ए एल कितना है
दो बार है भाई, दो से गुणा हुआ तो दो बार। Al कितने बार है? दो बार। ठीक है, Cl कितने बार है? तीन दूना छह, तो Cl कितने बार? छह बार हो गया, Cl छह बार। फिर क्या है, Ca कितने बार है? Ca यहां पर तीन बार है, यहां कुछ भी नहीं, यहां कुछ भी नहीं है, केवल यहां पर है, तो Ca कितने बार हो गया? तीन बार, तो Ca हो गया तीन बार। फिर O कितने बार है? O देखिए यहां पर कितने बार है? दो बार है, और यहां पे कितने बार है? तीन। तो दो और तीन दोनों गुणा होगा, क्यों? क्योंकि ये इधर नीचे है, तो दो तिया छह, याद रखिए गुणा होगा, जुड़ेगा नहीं, क्या होगा यहां? गुणा होगा, दो तिया छह, तो O कितने बार हो गया? छह बार। फिर एच कितने बार है? एच भी यहां दो बार है, एच की गुणा में ही ना तो है, तो एच भी दो बार है, और तीन आ गया, तो दो तिया कितना हो गया? छह। ब्रैकेट के अंदर दोनों में दो से गुणा होगा, याद रखिएगा, तो O में दो से गुणा होगा तो 26 छह, और H में भी दो से गुणा होगा तब भी 3 गुणा छह। अब यहां वाले में आप देखते हैं, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, कोई काम नहीं है। अब देखिए Al कितने बार है? दो बार है। Al कितने बार हो गया? दो बार। अब O को देखिए, O तीन बार, यहां तीन बार, और तीन गुना छह, मतलब O कितने बार? छह बार। फिर H तीन दुना छह, मतलब H भी कितने बार? छह बार, बराबर। फिर Ca कितने बार? Ca तीन बार। Ca कहाँ है? तीन बार इधर भी, तीन बार है Ca के आगे, और Cl टू तीन दुना छह, छह बार, बराबर हो गया। देख लीजिए दोनों बराबर है, तो अतः संतुलित रासायनिक समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? यही वाला उतार देंगे दोबारा, 2AlCl3+3CaOH का होल 20 2AlOH का होल 20+3CaCl। क्लियर? पहला सवाल बन गया, अच्छी तरीके से बना, कोई दिक्कत किसी को बनानी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना, चरण दो ही में बन गया, कभी कभी तीन भी जा सकता है, चार भी जा सकता है, ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए, तब हम उसको मिटाते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो तुरंत मुझे अभी बताएंगे कमेंट में लिख करके कि हमें दिक्कत हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसके बाद फिर अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर देखते हैं, 10वां नंबर है Fe+H2O बराबर Fe3O4+H2, ठीक है। Fe यहां पे लोहा है, तो लोहा के नीचे लोहा लिखेंगे, हिंदी लिख दिया है सबका। H2O मैंने बताया था, H2 मतलब क्या होता है? जल होता है। Fe3O4 ये क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो क्लियर हो गया। अब हमने हिंदी तो लिख दिया, हिंदी के बाद क्या करना है? चरण लिखना है, तो चरण नंबर फर्स्ट में लिखिए क्या है? Fe+H2O = Fe3O4+H2, यही है। अब बिल्कुल ध्यान से देखा जाए कौन कौन सा इसमें तत्व है, तो तत्व के लिए है तत्व बाई और दाई, ठीक है। चलिए तत्व देखिए, Fe कितने बार है? एक बार है, तो Fe पहले तत्व गिन लेते हैं, Fe है, फिर क्या है? H है, और फिर क्या है? O। चलिए अब गिना जाए कौन कितने बार है। Fe कितने बार है? कुछ नहीं आ गया, जब कुछ नहीं आ गया तो Fe कितने बार? एक बार। H
यहाँ पर दो है, आगे कुछ नहीं है तो दो एकम दो, हो यहाँ पे कुछ नहीं है आगे भी कुछ नहीं है तो एक एकम, क्लियर। दूसरी तरफ देखिए एफ कितने बार है, तो एफ यहाँ पे कितने बार है, तीन बार है, तीन। ओ कितने बार है, चार बार है, तो चार। ओ का है, ओ नीचे ना है, चार। और एच कितने बार है, दो बार। मेंस हम लोगों ने यहाँ देखा कि इन सवाल में कौन कौन बराबर नहीं है, तो एफ यहाँ एक बार है, यहाँ तीन बार है, तो सिंपल सा यहाँ एक बार है, यहाँ तीन बार है, तो हम किससे गुणा कर देंगे, तीन से गुणा कर देंगे। और यहाँ ये दोनों तो बराबर है, ओ यहाँ एक बार है, यहाँ कितने बार है, चार बार है, सिंपल सा है, किससे गुणा कर देंगे, चार से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। चलिए तो गुणा किया जाए, चरण नंबर दो बिल्कुल आसान है, आप चिटकी में बना सकते हैं, आप इसको बना के देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए चल तब पहले देखते हैं एफ, चरण दो एफ प्लस एच टू ओ प्लस एफ थ्री ओ फोर प्लस एच थ्री। चलिए किसमें किससे गुणा करना था, एफ वाले में तीन से गुणा करना था, बाई ओर, बाई ओर वाले में तीन से गुणा हो गया, हो गया। ओ वाले में चार से गुणा करना था, बाई ओर, ओ वाला इधर बाई ओर है, इसमें किससे गुणा कर दिया, चार, गुणा हो गया। अब बराबर हो जाना चाहिए, चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं। तत्व बाई ओर इधर तो कुछ नहीं गुणा करना था, और दाई, चलिए बाई ओर क्या है, एफ एच ओ, चलिए एफ कितने बार है, तीन बार है, एफ तीन बार, एच चार गुना आठ बार, एच कितने बार हो गया, आठ बार, ओ चार एकम कुछ नहीं एक है तो चार एकम, चार तीन हो गए। अब इसे देखिए एफ कितने बार, एफ कितने बार, तो एफ तीन बार हो गया, एफ तीन बार है, ओ चार बार, तो ओ चार बार, एच दो बार। अब यहां देख रहे हैं हम एफ तो बराबर हो गया, ओ भी बराबर हो गया, अब कौन बराबर नहीं है, एच बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, यहां कितने बार है, आठ बार है, यहां कितने बार है, दो बार है, तो क्या करेंगे आप, बताइए आपको किससे गुणा कर देंगे, चार से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, ये वाला चीज जो मैं लिखता हूँ ये आप लिखा मत कीजिए, ये दिमाग में रखा कीजिए, मैंने बोला ना इसका नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है, तुक्का मारने वाली विधि है, ठीक है, तो तुक्का मारने आना चाहिए आप लोग को, कोशिश करते रहिए, तुक्का मारते रहिए, सवाल बनते रहेगा। तो चरण नंबर कितना हम ले लेते हैं, आप चरण नंबर तीन, चलिए शुरू करते हैं, तीन क्या है, तीन एफ प्लस चार एच टू ओ बराबर एफ थ्री ओ फोर प्लस एच टू, किसमें गुणा करना है, चार से, तो इसमें ना एच में गुणा करना है चार से, तो चलिए एच वाले में चार से गुणा करें, कर दिया गुणा। अब चलिए मिलाइए तत्व बाई ओर और दाई ओर, चलिए तब तो बोलिए एफ एच ओ, एफ कितने बार, तीन बार, एच चार गुना आठ बार, ओ चार एकम चार बार, चलिए यहां मिलाइए एफ तीन बार, ओ चार बार, और चार गुना आठ, एच आठ बार, दोनों क्या है बराबर है, इसलिए लिखेंगे अतः संतुलित रासायनिक समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, थ्री एफ ई बेटा इसको प्लस फोर एच टू बराबर थ्री एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू, क्लियर। दूसरा सवाल भी हम लोग का बन गया, दो को बन गया, अब हम लोग तीसरा देखेंगे, मतलब 11वां नंबर देखेंगे, क्या लिखे इसको,
ग्यारहवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है एएन एएन प्लस एच टू एस ओ फोर बराबर एएन टू एस ओ फोर का होल ट्रिस प्लस एच टू, यही है। चलिए देखते हैं, एयर एयर मतलब होता है एल्यूमिनियम, एयर मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एच टू एस ओ फोर मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है एच टू एस ओ फोर मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, हो गया। एएन टू एस ओ फोर का होल ट्रिस मतलब होता है एएन मतलब एल्यूमिनियम और SO4 मतलब सल्फेट, SO4 मतलब सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और ये H2 मतलब तो जानते ही आपको क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब चरण नंबर एक, चरण फर्स्ट, चलिए फर्स्ट में क्या है An प्लस H2SO4 बराबर एन टू एसओ फोर का होल एसओ फोर होल ट्रिस प्लस एच टू, यही है। चलिए मिला लीजिए, तत्व कितना है, तत्व बाई और दाई, बाई और क्या पहले एल है तत्व में और क्या है एच है, फिर क्या है एस है, फिर ओ, ठीक है। चलिए एयर कितने बार, एक बार है, एक बार, एच दो बार, एस एक बार, ओ चार बार, हो गया। इधर मिलाइए एन दो बार, एयर दो बार, एच ओ एस, एस यहां पर देखिए ध्यान से, एस यहां पर तीन है, एस यहां पर तीन है, आगे कुछ नहीं है, एस का यहां पर तीन है तो तीन एकम तीन, एस में कितना तीन, ओ में चार तिया, चार तिया बार है, ओ में बार है और एच में दो, हो गया। अब देखिए कौन कौन बराबर है, तो अगर देख रहे हैं बराबर कौन कौन है, एयर एक बार है यहां दो बार है तो ये बराबर नहीं है, तो यहां दो से गुणा कर देंगे, फिर और क्या, एस यहां एक बार है यहां पे कितने बार है तीन बार है, तो आप क्या करेंगे यहां वाले लेके से गुणा कर देंगे तीन से, ठीक है। फिर यहां पर ओ कितने बार है चार बार है या बारह बार है, यहां पर भी किससे गुणा करते हैं तीन से, मतलब आपको तीन को काम करना होगा, एक बार एल में दो से गुणा करना होगा और एस में तीन से और ओ में भी तीन से गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने पर फिर मिलाइएगा, फिर जो बराबर नहीं होगा तो उसको बराबर कर दीजिएगा, तो कर सकते हैं, देखिए करके दिखाते हैं आपको, एल प्लस एस टू एस फोर चरण नंबर कौन सा ये चरण दो, मैं इसलिए इसको इतना अच्छी तरह करा रहा हूं कि आपको एक सवाल अगर आ गया तो आपसे छूटे ना, इसमें का सवाल किसमें किसमें गुणा करना है, एल में दो से तो एल में दो से यहां हो गया दो से, और क्या करना है एच वाले में तो नहीं करना है, एस में तीन से गुणा करना है, इसी साइड तीन से, एस वाला है तो तीन से, ओ वाले में भी तीन से, तो दोनों तो एक ही जगह है तो तीन से गुणा हो गया, अब गुणा हो गया इतना हो गया, फिर आप बराबर मिलाते हैं कौन कौन है, चलिए मिलाइए तत्व बाई और दाई, तत्व में एल एच एस ओ यही चार बार, एल कितने बार तो दो बार, एच तीन दुना छह बार, एस तीन एकम तीन बार, ओ चार किया बारह, हो गया। इधर एल दो बार, एस तीन चौ तीन एकम तीन, एस तीन बार, ओ चार तिया, चार तिया बार, ओ बारह बार, एच दो बार, मतलब कौन बराबर नहीं है, एच बराबर नहीं है, एच इधर छह बार, इधर कितने बार है दो बार, तो किससे गुणा कर दोगे तीन से, मतलब चरण नंबर तीन में क्या करोगे एच वाले में, मतलब यहां पर किससे गुणा कर देंगे तीन से गुणा कर देंगे, चरण नंबर तीन भी हो गया। तो हम लोगों ने तीसरा सवाल भी आप बना लोगे पूरा, मतलब आप लोगों का कौन सा सवाल खत्म हुआ ये 11 नंबर, उसी टाइप से 12 नंबर 13 नंबर 14 15 चार सवाल आपको बना के लाना होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, बना लीजिए, मैं सबका ये जो 12 से लेकर 15 तक है इसका हिंदी लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
मिटा रहे हैं इसको, बना लीजिएगा नाम। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर है FeSO4, FeSO4 को कहा जाता है फेरस सल्फेट, क्या कहा जाता है फेरस सल्फेट, कितना नंबर है 12 नंबर फेरस सल्फेट, प्लस प्लस नहीं है तीर का निशान। इधर Fe2O3 इसको कहा जाता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। सबका फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे काम आएगा आपको, मैं इसलिए हिंदी लिखवा रहा हूं सबका। SO2 का मतलब भी पढ़े थे आपको, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। और एक और क्या है SO3 है, SO3 का मतलब यहीं पे प्लस में लिख देते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर यहां पे तीन है तो ट्राई, तीन है तो क्या हो जाएगा ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, और दो है तो डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब पीते Cu मतलब कॉपर, प्लस AgNO3, Ag का मतलब होता है Ag मतलब सिल्वर, Ag का मतलब क्या होता है सिल्वर, उसका संकेत है Ag, सिल्वर का संकेत है Ag। और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, NO3 का मतलब क्या होता है नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट। CuNO3 तो Cu का मतलब होता है कॉपर और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, प्लस Ag का मतलब क्लियर। नेक्स्ट 14 नंबर Zn, Zn का मतलब जिंक या जस्ता। H3O4PO4 इसका कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ये एक नया नाम है आप लोगों को भी पढ़ना भी नहीं है आगे, वैसे मैंने करवा दिया था ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है इसको, ZnPO4। Zn का मतलब जिंक और PO4 जैसे SO4 का मतलब सल्फेट होता है तो PO4 का मतलब फास्फेट, फास्फेट। ठीक है, फिर H2 का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है। लास्ट हमारा है PbNO3, पीबी का मतलब भी कभी पढ़ाए थे लेड कहा जाता है सीसा लेड, और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, अब यहां पे पढ़ाया था आप लोगों ने लेड नाइट्रेट, PbO मतलब लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड कल वाले वीडियो में था लेड ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दो है यहां दो है तो डाई हो जाएगा डाई ऑक्साइड, ठीक है। और लास्ट में क्या है O2, O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो तीनों आप लोग का चार है, चारों को आप बना लीजिएगा बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा, आसानी से आप होगा ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, बना के मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने असंतुलित रासायनिक समीकरण को सॉल्व संतुलित करने वाला बहुत सारे उदाहरण, बहुत क्या 15 उदाहरण हम लोगों ने देखा जिसको सॉल्व किया। अब कल वाले जो वीडियो में हम लोग कुछ और उदाहरण को देख लेंगे, परंतु कल वाला जो वीडियो रहेगा बहुत स्पेशल वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग आपके बुक में से और सारे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इस 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगे, तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।